हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट और मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक मूवी के बारे में। यार ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो कई आपके दिल को छू जाती है, लेकिन कुछ फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो सीन्स देखकर आपका जहन सोचने पर मजबूर कर देते और आपको आंखों से आंसू आते और आप सोचते कि सच में ऐसा होता है। बिल्कुल ये मूवी का एक सीन देखकर मैं खुद हैरान हो गया और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इमोशनल फील किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज की सच्चाई है जो लोगों को पता नहीं और शायद लोगों को मालूम होकर भी लोग इस चीज से अनजान है। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि अगर आप ये रिव्यू देखो ना देखो मेरा रिव्यू, लेकिन आप ये मूवी जरूर देखना। ये मूवी यू तो एक लाइट कॉमेडी मूवी, लेकिन जो इसमें एक चीज डायरेक्टर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो डायरेक्टर साहब या जो इनके पीछे जितने भी लोग राइटर्स है, वो जो चीज बताना चाह रहे हैं वो दिल पे कहीं ना कहीं लगती है और ये समाज की सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने हॉटस्टार को सब्सक्राइब किए हो तो ये मूवी आप जरूर देखने ना। तो यार इस मूवी की कहानी शुरू होती है विनय पाठक से, जो कि इस यहाँ पे रोल प्ले कर रहे शरद गुपचुप का। वो एक पार्टी के कार्यकर्ता है और उनके कैरेक्टर को यहाँ पे इतना बताया कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, वो कभी रिश्वत ना लेते ना कभी रिश्वत देते। वो कचरे को भी बराबर डस्टबिन में आके फेंकते हैं, वो रोड पे कहीं पे भी नहीं फेंकते, वो ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करते हैं। उन्होंने अब तक जिंदगी में तरक्की करने के लिए कोई भी इल्लीगल काम किया नहीं है। वही उनके अगर बेटे की बात करें तो बेटे का यहाँ पे रोल प्ले कर सिद्धार्थ मेनन ने, उनका इस मूवी में नाम है शुभम। वो उनके फादर से काफी इत्तेफाक नहीं रखते, वो हमेशा बोलते कि देखो डैड सब आपकी तरह ईमानदार तो होते नहीं, कुछ कुछ काम निकालने के लिए कुछ इल्लीगल काम करना पड़ता। उसके जो फादर उससे हमेशा चिढ़ते कि तू कभी भी लीगल काम क्यों नहीं करता, तू हमेशा इस तरीके का आलसीपन में इतना इल्लीगल काम क्यों करता, तू क्यों इन लोगों को बढ़ावा देता है। तो ये सब नोकझोंक इनकी फादर और सन की चलती रहती, लेकिन एक्चुअली कहानी ये नहीं। कहानी ये है कि एक दिन शरद यानी विनय पाठक का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में 2.5 लाख का खर्चा आता है। तो अब ये लोग मिडिल क्लास फैमिली को, तो इनके पास इतने पैसे होते नहीं, तो वो सोचेंगे एक्चुअली करे क्या, इनका इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोग अपने जान पहचान वालों से पैसा लेते, लेकिन फिर भी उतने पैसे जमा नहीं हो पाते। तो शुभम क्या करता है, अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है और फ्रेंड को बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से पैसे चाहिए। तो उसका फ्रेंड बोलता है क्योंकि उसी टाइम पे डीमोनिटाइजेशन जो सिचुएशन थी वो हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, बहुत से लोगों को पैसा दे देके अपने काले पैसे को व्हाइट कराए थे, यानी कि 50,000 अगर तुम हमारे 50,000 जमा करोगे तो हम तुमको उसमें से 10,000 देंगे। तो इस तरीके का इल्लीगल काम करके वो बाकी के बचे पैसे जमा करके अपने फादर का ऑपरेशन करवा देता है। ऑपरेशन कराने के बाद विनय पाठक जब ठीक हो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बेटे ने ये सब करतूत करके उनका इलाज करवाया। तो काफी नाराज होते तो यही नोकझोंक वो लोग की चलती रहती गाड़ी में। तो रास्ते में उनका फिर से एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट होने के बाद जब वो लोग गाड़ी रोकते हैं जंगल के साइड में, तो उनका बेटा ने शुभम की नजर पड़ती है, नीचे एक लाश रहती है। लाश के पास एक बहुत बड़ा बैग में ना 2,000 की नई नोट होती है, पूरा बैग भर के पैसा होता है। तो शरद यानी विनय पाठक मना करता है शुभम को कि यार मत ले, चल जाएंगे घर पे, लेकिन फिर भी शुभम मानता नहीं। शुभम वो बैग लेके गाड़ी में रख देता है, ये लोग तीनों निकल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन शुरू होती है और क्या कुछ हमें ड्रामा देखने को मिलता है इस पैसे से रिलेटेड, वो सब कुछ देखने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। तो ये मूवी में बेसिकली जो हमारे आपस के जो रिश्ते होते हैं पैसे आने के बाद किस तरीके से फर्क पड़ता है वो बताया गया, प्लस पैसे आने के बाद जो इंसान की जो ईमानदारी होती है वो ईमानदारी कब तक टिकती है वो भी इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया। बेसिकली यहाँ पे एक ऐसी कहानी बताई गई जिससे हर इंसान रिलेट कर सकता है और ये एक कॉमन मैन की रियलिटी है, जो एक आम आदमी होता है उसकी सच्चाई है जो इस मूवी में बताई है। और उसको रियल बनाने में जितने भी परफॉर्मेंस है ना, उन लोगों ने बहुत अच्छी मदद की, चाहे वो विनय पाठक तो मैं तो बोलता हूँ सदाबहार कलाकारों में से एक है। उनकी जो परफॉर्मेंस होता है आप लोगों को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कॉमिक में तो उनका कोई जवाब नहीं, और इस तरीके की जो फिल्में होती है इसमें उनका जो परफॉर्मेंस होता है अलग तरीके से उठ के आता है। और उसके अलावा सिद्धार्थ मेनन की बात करो, सिद्धार्थ मेनन का परफॉर्मेंस भी शानदार है। मतलब आप उसके कैरेक्टर से ऐसा इतना आपको उसका कैरेक्टर देख के ये फील हो गया, इस तरीके के बंदे को तो मैं सही में जानता हूँ। मतलब उसने इतना रियलिस्टिक ये किरदार निभाया, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जिसने भी राइटर ने लिखा है ना, ये कहानी बहुत खूबसूरती से लिखी, आपको हंसी भी आएगी और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देखी जाएगी। तो मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगी यार ये मूवी जरूर देखना, इसको मिस ना करें। इसमें कुछ फालतू के एडल्ट सीन्स या कुछ भी ऐसे गाली गलौज के डायलॉग नहीं है, एक बहुत ही अच्छी लाइट कॉमेडी मूवी है और एक अच्छा ब्यूटीफुल मैसेज के साथ है। और डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन भी बहुत अच्छा। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल जाए।